गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी भाद्रजून ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। टुडे वी डिस्कस काउंटेबल्स नाउन्स। नाउन आर टू टाइप्स, सिंगुलर नाउन्स एंड प्लुरल नाउन्स। बिफोर दिस वीडियोस यू हैव सीन मैनी वीडियोस दैट बिफोर फोर वीडियोज यू हैव सीन द सेंटेंसेज एंड यू आल्सो नो व्हाट्स मीन सेंटेंस एंड हाउ मैनी टाइप ऑफ सेंटेंस। टुडे वी डिस्कस noun. Today we discuss noun. Let's see. Noun, it means संज्ञा. There are two types of nouns, singular and plural. Singular and plural. Singular which means countable and plural which means countable. Singular means one and plural means more than two. Singular means one and plural means more than two. Now look at the blackboard. There is a car in the parking. Next sentence looked. There are many cars on the roads. I have a cycle. They have many cycles. I go home in a bus. There are three buses in my school. My neighbor has a cat. There are many cats in the park. Looked at the blackboard, just one read. Noun, singular and plural noun. There is a car in the parking. Many cars on the roads. I have a cycle. They have many cycles. I go home in a bus. There are in my school. Neighbor has a cat. There are many cats in the park. Car, cars. Boat, boats. Road, roads. Book, books. Game, games. Leaf, leaves. Knife, knives. Baby, babies. Man, men. Look at the blackboard. Noun का अर्थ होता है संज्ञा. Simple सा noun का अर्थ क्या होता है? संज्ञा. संज्ञा कितने प्रकार की होती है? English में two. Countable noun and plural. Singular एकवचन एंड प्लुरल बहुवचन, दो प्रकार की होती है नाउन. आप देखिए, देयर इज ए कार इन द पार्क. पार्क के अंदर एक कार है. पार्क के अंदर कितनी कार है? एक कार. तो ये कौन सी नाउन होगी? सिंगुलर नाउन. एकवचन, एकवचन है इसलिए इसको बोलेंगे सिंगुलर. पार्क के अंदर एक कार है इसलिए हो गई सिंगुलर नाउन. देयर आर मैनी कार्स ऑन द रोड्स. सड़क पे बहुत सारी कारें हैं. सड़क पर बहुत सारी कार है तो वो कौन सी हो गई? प्लुरल. कार्स मीन्स बहुत सारी कार. एक कार है तो सिंगुलर और बहुत सारी कार हैं तो प्लुरल, PLURAL. सिंगुलर मीन्स एकवचन और प्लुरल मीन्स बहुवचन. आई हैव अ साइकिल. मेरे पास साइकिल है, मतलब मेरे पास साइकिल तो है लेकिन साइकिल कितनी है? एक है. तो ये कौन सी नाउन है? सिंगुलर. दे हैव मैनी कार, मैनी साइकिल. उनके पास बहुत सारी साइकिलें हैं तो ये कौन से हो गए? प्लुरल. आई गो होम इन ए बस. मैं एक बस से घर जाता हूँ. बस कितनी है? एक, यानी
सिंगुलर। इन माई स्कूल, मेरी स्कूल में तीन बच्चे हैं, मेरी स्कूल में तीन बच्चे थे, तो ये क्या हो गई? प्लूरल। माई नेबर हैज अ कैट, मेरे पड़ोसी के पास में एक बिल्ली है, तो ये क्या हो गई? सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर। देर आर मैनी कैट्स इन द पार्क, बगीचे के अंदर बहुत सारी बिल्लियां हैं, तो ये क्या हो गई? प्लूरल। एक वचन को बोलते हैं सिंगुलर और बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। कार का कार्स, कार एक वचन है, इसका प्लूरल क्या होगा? कार्स, इसके पीछे एस लगाना है। कार, कार मीन्स एक का और कार्स मीन्स बहुत सारे कारें। बोट मीन्स एक नाव और बोट्स मीन्स बहुत सारी नावें। रोड मीन्स एक सड़क और रोड्स मीन्स सड़कें। बुक मीन्स एक किताब और बुक्स किताबें। गेम यानी खेल और गेम्स मतलब बहुत सारे खेल, एक से अधिक खेल। लिप, लिप मीन्स एक पत्ती और लिप्स मीन्स बहुत सारी पत्तियाँ पेड़ पौधों की। नाइफ चाकू और नाइफ एक से अधिक चाकू। बेबी एक बच्चा और बेबी बहुत सारे बच्चे। एम एन मैन एक आदमी और एम एन मैन बहुत सारे आदमी। तो एक वचन जब एक के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सिंगुलर नाउन, और जब एक से अधिक द सेंटेंस। डियर स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया सिंगुलर मीन्स क्या होता है? एक वचन, और प्लूरल मीन्स बहुवचन। ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन मीन्स एक वचन संज्ञा और प्लूरल नाउन्स मीन्स बहुवचन संज्ञा, इस बात का स्पेशली ध्यान रखो। टी एच ई आर ई को क्या पढ़ेंगे? देयर। आई एस को आपको पढ़ना आता है ईच। सी आर को कार, इन आई एन को इन, और पी आर के एन को पार्किंग। क्या पढ़ेंगे बच्चों? पार्किंग लर्न करना। देयर आर, एम एन वाई को मैनी, क्या पढ़ते हैं? मैनी। सी आर एस, आर ओ ए डी को रोड्स। एच ए वी को क्या पढ़ते हैं? हैव, सभी ध्यान देना। और सी वाई सी एल ई को साइकिल। और दे हैव मैनी साइकिल्स हो गया। आई और जी ओ को क्या पढ़ेंगे? गो। एच ओ टी एच आर ई को देयर, ए आर ई को आर, टी एच आर ई को थ्री, बी यू एस ई ए को ब, से ज, इन एन ई आई, जी एस बी ओ यू आर को नेबर। आर, एम ए एन वाई को मैनी। बोर्ड्स, आर ओ डी रोड, आर ओ डी एस रोड्स। बुक, Yes, lived.
knife. knife. knives. knife. बेबी का बेबीज. एम एन मैन और एम सारी स्पेलिंग लर्न. अगर मैं पूछूं कार सिंगुलर है या प्लुरल है तो आपका क्या होगा? सी ए आर कार जो है वो सिंगुलर है और सी ए आर एस प्लुरल है. बोर्ड सिंगुलर, बुक गेम सिंगुलर, गेम्स प्लुरल, लिप सिंगुलर, लिप्स प्लुरल, नाइफ सिंगुलर, नाइफ्स प्लुरल, बेबी सिंगुलर, बेबीज प्लुरल, मैन सिंगुलर और मैन प्लुरल. ये सारे के सारे स्पेलिंग नोट कीजिए आप और इसको लर्न भी करना है. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया नाउन टू टाइप्स, सिंगुलर नाउन एंड प्लुरल नाउन, एकवचन और बहुवचन. आप मुझे बताओ क्लास. क्लास मीन्स एक कक्षा. इसका प्लुरल क्या होगा? क्लासेज. तो यह क्लास जो है वो किस में आएगी? सिंगुलर में. और क्लासेज किस में आएगी? प्लुरल में. एकवचन और बहुवचन का इतना फर्क होता है. लिखिए सिंगुलर नाउन यानी एकवचन संज्ञा और प्लुरल नाउन्स मीन्स बहुवचन संज्ञा. सिर्फ आपको ये नोट करना है. और इनमें सिंगुलर कौन कौन सी है, प्लुरल कौन कौन से, आपको लर्न करनी है. और वन टाइम नोटबुक में, क्लास वर्क में लिखो. अन्यथा आप वीडियो देखोगे और नोटबुक में नहीं लिखोगे तो आपको कम समझ में आएगा. आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और जो देखते जाओ उसको धीरे धीरे लिखते जाना है. देन यू गेट गुड रिजल्ट. ओके.